गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सर्वनाम शब्दों के अगले अभ्यास के साथ हम फिर उपस्थित हैं आपके समक्ष। सर्वनाम संज्ञा की जगह प्रयोग होने वाला नाम, यानी कि नाम वाले शब्दों को हटाकर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे ही सर्वनाम कहलाते हैं। हम विभिन्न सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते आ रहे हैं, आपको मॉड्यूल बता रहे हैं। आप कंटिन्यूटी में उन मॉड्यूल्स को देखिएगा ताकि इनके अभ्यास करने में आपको ईजी रहे, सहायक रहे। तो चलिए बढ़ते हैं इस अभ्यास में। यहाँ पर हमें करना क्या है, चलिए पहले प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न में दिया है सर्वनाम शब्द चुनकर फूलों में लिखें। हमने यहाँ पर राइट साइड में काफ़ी सारे सर्वनाम शब्द आपको लिख दिए हैं। आपको इन सारे शब्दों में कुछ सर्वनाम है और कुछ नहीं है, तो सर्वनाम शब्द चुनना है और जो सर्वनाम शब्द है केवल वे ही वहाँ फूलों में, यहाँ पर आपको 6 फूल नजर आ रहे हैं, उन फूलों में सर्वनाम शब्द ही भरना है। पहला लिया उसका, उसका सर्वनाम शब्द है हाँ, क्योंकि उसका किसी के नाम को दर्शाता है, किसी के नाम को हटाकर हम उसका का प्रयोग करते हैं, इसलिए यह सर्वनाम शब्द है, तो इसे हम फूल में लिखेंगे। यहाँ पर आ जाते हैं उसका, उसका एक हो गया, ठीक। चले बढ़ते हैं दूसरे शब्द की तरफ। राम सर्वनाम होगा नहीं, क्योंकि राम तो स्वयं किसी का नाम है, तो इसे हम यहाँ काट देंगे। अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं बाजार, बाजार जगह का नाम है, तो क्योंकि ये जगह का नाम है इसलिए ये सर्वनाम नहीं होगा। अब बढ़ते हैं वह, वह मेरा मित्र है, वह यहाँ रहता है, वह किसी के नाम की जगह पर बोला जा रहा है, इसलिए ये सर्वनाम होगा, हाँ होगा, तो इसे हम लिखेंगे यहाँ अगले फूल के अंदर वह। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट यानी कि अगले शब्द की तरफ। हमारा, हमारा किसका, किसी दो लोगों का, दो से अधिक लोगों के नाम की जगह पर हम बोलते हैं हमारा, तो क्योंकि ये नाम की जगह बोले जाने वाला शब्द है इसलिए ये भी है सर्वनाम, तो रेखांकित कीजिए और लिखिए यहाँ पर हमारा। तीसरे फूल में हम क्या लिखेंगे, हमारा, ओके। तीन शब्द मिल गए, उसका, वह, हमारा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। पेड़ सर्वनाम है नहीं, क्योंकि पेड़ किसी का नाम है यानी कि संज्ञा है, तो संज्ञा को हम काट देंगे यहाँ पर। अब बढ़ते ऊपर, ऊपर तो जगह का नाम है, जगह है, नाम तो और किसी का नाम नहीं है, कट कर दो, ना नाम है ना ही सर्वनाम है। अब आया तुम कौन, तुम कोई भी हो सकता है, किसी का भी नाम हो सकता है, तो तुम हुआ नाम वाली जगह पर, इसलिए ऐसे करेंगे रेखांकित, क्योंकि नाम की जगह पर हम तुम का प्रयोग करते हैं, तो ये क्या होगा सर्वनाम। तो अगला शब्द सर्वनाम में आपको क्या मिला, तुम, हमने यहाँ लिख दिया तुम, ओके। अब बढ़ते हैं अगले शब्द उन्हें, किन्हें, किसी के नाम की जगह पर बोलते हैं उन्हें, हाँ क्योंकि नाम की जगह पर बोल रहे हैं इसलिए ये क्या हो गया सर्वनाम, तो रेखांकित कीजिए और यहाँ पर लिखिए उन्हें। अब आपके पास एक शब्द है सब, कौन सब, तो सब सर्वनाम नहीं होगा। फिर आ रहा है यहाँ पर लास्ट वे, कौन वे, पिताजी और उनके मित्र, मेरे मित्र, वे यानी ज्यादा लोग किसी के नाम की जगह पर आ रहे हैं, तो ये सर्वनाम होगा, हाँ होगा, तो रेखांकित कीजिए वे को और यहाँ लिखिए वे। तो इस प्रकार आपने देखा उसका, वह, हमारा, तुम, उन्हें और वे, ये सारे सर्वनाम शब्द हैं क्योंकि ये किसी के नाम की जगह पर प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ आपने विभिन्न शब्दों के बीच से केवल उन्हीं शब्दों का चयन किया, उन्हीं चूज किया जो कि सर्वनाम है, जैसे कि राम नाम वाला शब्द है, बाजार नाम वाला शब्द है, पेड़ किसी का नाम है, ऊपर जगह है, सब लोगों का समूह है, तो उनको हमने नहीं चुना, हमें सिर्फ वही चीज़ें लिखनी थी जो किसी नाम के जगह पर बोली जाती है यानी कि सर्वनाम। तो इस प्रकार आपने सर्वनाम शब्दों का चयन किया। तो आप अपने दिमाग में ये बहुत क्लियर रखिए, बहुत ध्यान से समझ के रखिए कि नाम की जगह पर बोले जाने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं और उनके अभ्यास हम इस प्रकार यहाँ कर रहे हैं और आगे भी आपको दो तीन अभ्यास कराएंगे। आप अपनी कॉपी में लिखबद्ध करते रहिए और
लगातार हमारे वीडियोस को देखिए, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए और कोई डाउट हो तो हमसे ज़रूर पूछिए। इसी उम्मीद के साथ कि आप स्टडी कर रहे हो और अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हो, हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।